जब 26 जनवरी को पूरा देश 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तभी बिहार के गया से दंगा फसाद की तस्वीरें सामने आने लगी। बताया ये गया कि बवाल काटने वाले रेलवे के अभ्यर्थी थे, जो रेलवे की भर्ती में नॉन परीक्षा पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के परिणामों में धांधली का आरोप लगा रहे थे। कई जगहों पर हिंसात्मक प्रदर्शन किया गया, रेलवे की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने भी रेलवे अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भांजी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलावा यह प्रदर्शन बिहार के बक्सर, आरा, सीतामढ़ी, साशापुर जैसे और कई इलाकों में भी किया गया। नमस्कार, मैं दीति गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ पब्लिक न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। अभी तक आप आरआरबी एनटीपीसी के परिणामों में हुई धांधली के विरोध में जो भी प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और बिहार में किया गया है उसकी तस्वीरें तो आप देख ही चुके होंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रेलवे अभ्यर्थी इस तरह का हिंसात्मक प्रदर्शन करने पर मजबूर क्यों हो गए और आखिरकार इतना बवाल क्यों मचाया गया। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2019 में एनटीपीसी में भर्ती निकाली थी, जिसमें 35,281 वैकेंसी थी, जिसमें ग्रेजुएट के लिए 24,281 और नॉन ग्रेजुएट यानी कि 12वीं पास के लिए 11,000 पद थे और इन पदों को 5 लेवल यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 में बांटा गया था। हर पद के लिए अलग अलग योग्यता और वेतन भी तय किया गया था। जैसे लेवल 2 के लिए 12वीं पास होना जरूरी था, इसमें तनख्वाह 19,000 रुपए तय की गई थी और लेवल 6 के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था, इसमें तनख्वाह 35,000 रुपए तय की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के लिए मार्च 2022 में परीक्षा होना प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के वजह से परीक्षा आगे स्थगित होती चली गई, जिसके बाद दिसंबर 2020 से लेकर यह परीक्षा जुलाई 2021 तक पूरी हुई। इस परीक्षा का रिजल्ट 2022 को आया, जिसमें 7,05,446 अभ्यर्थी क्वालिफाई कर गए, मतलब 35,000 पद थे लेकिन क्वालिफाई करने वाले छात्र 20 गुना ज्यादा थे। छात्रों का कहना है कि ऐसे में लेवल 2 की भर्ती में अभी ग्रेजुएट लोग ही भर जाएंगे और उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब साफ है उनके लिए अवसर कम कर दिए गए हैं। तो वही रेलवे का तर्क है कि किसी भी पद को खाली ना छोड़ा जाए, इसके लिए इस तरह का काम किया गया है और किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। रेलवे के अधिकारियों ने यह भी कहा कि फाइनल लिस्ट में 35,281 पदों पर ही भर्ती होगी, किसी को भी 2 पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो यही वजह थी कि जिसके बाद इतनी बड़ी फजीहत हुई। इस मामले को देखकर सरकार भी युवाओं के आगे झुकती हुई नजर आई। इस मामले के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जांच कमेटी बनाने की बात कही जो 4 मार्च को रिपोर्ट सौंप देगी। रेल मंत्री ने छात्रों से अपील की कि वो इस तरीके के हिंसात्मक प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ऐसा उन पर शोभा नहीं देता। उनकी जो भी समस्या है वो खुलकर सामने आए, हम उन पर समाधान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को कोई गलत तरीके से भड़का रहा है और इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में छात्रों के व्यापक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया। रेल मंत्रालय ने लेवल 1 और एनटीपीसी परीक्षा को फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब ये परीक्षा जब भी होगी इसके लिए सूचना दे दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।